दोस्तों देखो हाउ मच अमीर वी आर। ये देखो दोस्तों स्कैम हो रहा है भाई के साथ, मेरे वाले घर में आ गए भाई। हेलो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर व्लॉग। एंड घर पे आ गया हूँ, पहला दिन है आज। कल रात में काफ़ी अच्छी पार्टी हुई एंड हमें कुछ भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला घर पे। बाकी एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जैसे घर में आया ना तो सारे लोग थे घर में एंड सेलिब्रेशन चल रहा था। जैसे ही मैं एंटर किया ना तो मुझे तुरंत भाई किसी की कमी महसूस हुई। एंड पहले तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कोई मिसिंग है शायद, बट फिर थोड़ी देर जस्ट थोड़ी ही देर बाद प्रोसेस हुआ दिमाग में कि हाँ दादी जा चुकी हैं छोड़ के। बाकी कमी महसूस तो होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को प्रोसेस करने में। एंड बाकी ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में। बाकी अभी मेरी कज़न दीदी भी आई हुई हैं तो सारे बच्चे हैं तो अच्छा लग रहा है। अब नाश्ता वास्ता करते हैं भाई एंड उठ के नहाते हैं। और कपड़े तो भाई कुछ मैं लेके नहीं आऊँ, सारे कपड़े मैंने भाई ट्रांसपोर्ट में डाल दिए थे बैग में भर भर के। यही कल की 3 दिन पुरानी शर्ट पहना हुआ हूँ, देखता हूँ अगर ट्रांसपोर्ट से अभी आ गए होंगे सामान तो कपड़े अपने निकलवाता हूँ। फिर इनसे मिलिए भाई साहब, ये राघव जी मेरी दीदी के बेटे। आजकल आ नहीं रहा भाई किसी के पास, नहीं तो पहले सबके पास चला जाता था, आजकल बिगड़ गया थोड़ा। हाँ आजकल रोना धोना प्रॉपर चल रहा है बिल्कुल। भाई अभी बातचीत चल रही थी कि दिल्ली में जो भाई बहुत प्रोसेस्ड फूड मिलता है वहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, सब बता रहे मिंटी दीदी। और सबसे सही चीज नारियल पानी पियो भाई, उसमें इंजेक्शन लग ही नहीं सकता, हार्ड होता है। कोई इंजेक्शन ही नहीं बनाया था जिसमें वो नारियल पानी में लग जाए, फोड़ के लगा सकते हैं। सही बात है, फोड़ के बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। उसके बाद खाना पीना हो गया दोस्तों, बाकी मिलते ब्रेक के बाद। ये देखो दोस्तों स्कैम हो रहा है भाई के साथ, उठते मैं तो कटवाता नहीं ना इसलिए सोते में काटे जा रहे हैं चपके। दोस्तों मेरे रूम को उजाड़ दिया गया है, देखो टाइल्स लगाने के नाम पे भाई सब कुछ निकाल दिए, यहाँ पे फ्रेम लगा हुआ तो वो भी निकाल दिया, टाइल्स लगे के लगे नहीं है। माँ की भाई यार पूरा दिन कहीं नहीं गया, घर पे ही सो रहा था, काफी थक गया था तो घर पे यार समझ नहीं आता भाई ब्लॉग करो क्या। देखते हैं बाकी। ओ लाइट भाई प्रॉपर बिल्कुल, ये ना वही वाला रूम है जहाँ से मैंने एक्चुअल में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, बहुत ज़्यादा इको हो रहा है अभी वैसे रूम में। अभी सामान का ये अपडेट है कि भाई ट्रांसपोर्ट में सामान आया नहीं है, हो सकता है अब कल आए, मुझे बोल तो रहे थे वो कि एक दिन बाद ही आ जाएगा बट नहीं आ पाया। देखते यहाँ नहीं आएगा इस वाले घर ये, क्योंकि मेरा पुराना वाला घर है। ठीक है देखो ये मेरा रूम था, ये बाहर वाला और वो अंदर जो है ना पुराना वाला कंस्ट्रक्शन है, तो ये हमारा सबसे पुराना वाला घर है और जो नया वाला घर है वो वहीं डायरेक्ट मैं अपना सामान भेज रहा हूँ भाई, मैं यहाँ नहीं बुला रहा, डायरेक्ट मैं ही अपना सेटअप जमाऊंगा। चाइनीज लगता है चाइनीज। हाय क्यूटी, हाय क्यूटी, हाय क्यूटी। हाँ जी दोस्तों नए वाले घर में आ गए भाई, क्योंकि वहां से रहा नहीं जा रहा, वहां सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यही स्टेटस करते हैं भाई अपना नया सेटअप नया रूम और सामान भी भाई यहीं लेके आऊँगा। ऑल दो यहाँ भी शिफ्टिंग प्रॉपरली हुई नहीं है, मतलब हम ही स्टार्ट करेंगे बेसिकली, क्योंकि क्या होता है यार काम रुक जाता है फिर चलने लगता है, क्योंकि अभी कोई नीड नहीं है ना बिल्कुल, एकदम अर्जेंसी नहीं है कि यहाँ शिफ्ट होना ही है तुरंत। और बिजनेस वालों के साथ भाई यही होता है कि थोड़े दिन काम चला फिर पैसे यहाँ वहाँ लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक कर लिया, तो उस चक्कर में और ज़्यादा डिले हो जाता है। हाँ कि वैसे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, अगर हमें नीड लगती तो ये रेडी तो हो ही है, शिफ्ट हो जाते हैं, बट अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ शिफ्ट हो गए ना तो फिर वो वाला घर खाली पड़ा रहेगा। भाई कर्टन वर्टन वगैरह लगने हैं यहाँ पे तो उसका साइज़ लेने आया हुआ था। बाकी तो मैं कल या परसों के दिन कराता हूँ पुराने वाले घर का भी होम टूर और इस वाले घर का भी होम टूर। वैसे तो ये रेडी नहीं हुआ बट स्टिल कर दूंगा मैं, क्योंकि उसका हमें भी नहीं पता वो रेडी कब तक हो पाएगा। अब चलते हैं भाई घर, मिस्टर राघव चले भाई अपने घर। बाय बाय राघव। दीदी के बेटे हैं वो जा चुके हैं भाई, उसके साथ बड़ा मजा आता, बहुत ही क्यूट बच्चा भाई, सबके पास चले जाता बिना रोते हुए, तो वो भी अपने घर चले गए बड़ी मम्मी वाले घर। बाकी देखते हैं
ब्लॉग कुछ ना कुछ बनाऊंगा अभी यहाँ भी भाई। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट बिल्कुल भाई एकदम झटके वाला था भाई। मतलब भाई पूरा इंडिया शॉक में है। इतना खराब तो नहीं आना था मोदी जी का रिजल्ट भाई। ये तो पता था गवर्नमेंट आने वाली है, बट ऐसी गिरी हुई हालत में ये वो नहीं पता था। एक तो भाई ये टीवी बिल्कुल बाबा आदम जमाने की हो रखी है, पूरा घर ही बाबा आदम जमाने का है भाई हमारा अभी वाला तो। बाकी यार ये भगवान जी का हमारा वो है जो भी बोलते हैं मंदिर टाइप का, एंड इसमें बहुत अच्छा फ्रेम लगा हुआ था पता है। अब ये निकल के उस वाले घर में शिफ्ट हो गया क्योंकि सेम एज इट इज हमने वहाँ पे बनवाया हुआ है, तो वो मैं दिखाता हूँ तो मैं आगे वाले ब्लॉग में। ये देखो दोस्तों मेरा पुराना वाला लैपटॉप मैंने अपनी बहन को दे दिया था भाई, अभी तक नया रखा हुआ है, एक स्क्रैच नहीं है भाई, एक भी स्क्रैच नहीं है, देख रहे हो कवर मस्त लगा हुआ है। अमीर बच्चे हैं हम लोग, देखो आईपैड, मैकबुक एयर पुराना वाला, मैकबुक एक और आईफोन, यार रिच पीपल गाइस। भाई आईपैड में अपना खुद का चैनल देखो ना तो यार बड़ा अच्छा लगता है यार। भाई देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमने apple.in से खरीदा हुआ था, कस्टमाइज ऑप्शन था इसमें, एनग्रेविंग करवाई थी, नाम लिखा हुआ मालवी सोनी, इतनी बहन का ना ये। अब ये मेरे को दे दे यार, तेरे पास तो आ गया मैकबुक। दोस्तों देखो हाउ मच अमीर वी आर, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये नहीं ये देखने को बोल रहा था मैं। भाई हम लोग खानदानी गरीब लोग हैं, हम गरीब, हमारे दादा गरीब, परदादा गरीब, सब गरीब हम, ऐसे मत देखना बाकी कैसे बच्चों टाइप हरकतें कर रहे हैं। अम्मी यार पूरे कवर निकाल के देख रहे हैं जमा के, एक्चुअली इसका किया दर है भाई, ये मैंने नहीं किया। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है भाई, खाना ना खाऊंगा एंड नींद भी बहुत तेज़ आ रही है भाई, आँखें बिल्कुल लाल हो गई होंगी। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट डे, एंड कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में कराता हूँ तुमको होम टूर। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।